तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइज, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें आप मैक्रो सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सेटिंग को करने के बाद आपका जो हेडशॉट एकदम रेड रेड लगने वाला है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइज, ये कोई हैक नहीं है, ये आईफोन में एक सेटिंग होता है जो कि आईफोन वाले को ही मिलता है। तो दोस्तों, मैं कंफर्म करने के लिए बता दूं कि अगर आप जो है इस सेटिंग को यूज करते हो तो आपका आईडी बैन नहीं होगा, क्योंकि ये हैक नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक सेटिंग है जो कि सिर्फ आईफोन में ही वर्क करता है। तो अगर आपके पास आईफोन है तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मैं बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके भाई को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप सबको मैं सेटिंग बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर, और यहाँ से आपको जाना है, पहले तो आपको सेटिंग ढूँढनी है। तो ये रहा मेरी सेटिंग, और इसके बाद आपको जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, और यहाँ पे दिखेगा असिस्टिव टच, मतलब टच का, और ऊपर में असिस्टिव टच, इसको आपको ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर लेना है। और जैसे ही आप ऑन करोगे, नीचे देखो एक गोल सा आ गया, इसी को मतलब इसी की मदद से सारी काम होती है। तो आपको यहाँ पर फिर से नीचे जाना है, और यहाँ पर इसको नहीं, सॉरी इसको गलत क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको बैक करना है। और फिर यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट न्यू गेस्चर, इस पर आप क्लिक करना है, और फिर नीचे से आपको मतलब हाथ से इसे ऐसे ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद जैसे आप ड्रैग करोगे, आपको ऊपर में मतलब जैसे ही ड्रैग करो आपको ऊपर में सेव का बटन दिखेगा। सेव जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ लिखने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप मैक्रो लिखेगे वैसे ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको सेव कर देना है, और इसके बाद नीचे मतलब आना है डबल टैप में आना है, सॉरी मैंने सिंगल टैप में क्लिक कर दिया, ये चलो इसमें खोज रहा हूँ लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको बैक करना है फिर से एक स्टेप, और यहाँ पे आपको डबल टैप, उसके नीचे है सिंगल टैप के, डबल टैप पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मैक्रो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर से बैक करना है, और फिर से आपको लॉन्ग प्रेस वाला में जाना है, और फिर से यहाँ पर मैक्रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, पूरा सेटिंग मतलब अच्छे से देखना, और इसको 20 रहेगा 68 कर देना है, और फिर आपको जाना है माउस की में। तो जैसे आप माउस की में जाओगे, इसको ये सब ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना है, और नीचे वाले दोनों बटन को पूरा फुल बढ़ा देना है। और जैसे बढ़ाओगे आपका जो है हो जाएगा, और फिर नीचे जो दिख रहा है हॉट कॉर्नर, उसको आपको नीचे 0.5 कर देना है, 0.25 सॉरी, गोल वाले पर क्लिक करना है। देखो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो चलो मैं बता दे रहा आपको गेम के अंदर कैसे करना है, मैंने गेम वो कर रखा है इसलिए। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपको आपको दिख रहा है मैक्रो डीपीआई, जैसे क्लिक करोगे देखो डबल वाला आ गया, और ये आपको दोनों फायर बटन के ऊपर रखना है। जैसे ही आप फायर बटन के ऊपर रखोगे और जब जब क्लिक करोगे, तब तक जो है आपका हेडशॉट एकदम मस्त वाली लगने लगेगी। था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से एक और वीडियो